ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरी एक पर्सनल लाइफ की स्टोरी, जिसमें एक बार एक हिस्ट्री टीचर ने मुझे ये कह दिया था कि बड़े तुम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाओगे, और उससे रिलेटेड जो भी आगे कहानियाँ हुई थी और किस तरीके से फिर फाइनली मैंने आईआईटी क्रैक करा था, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि आप लोग अपने लाइफ से रिलेट कर पाओ इन स्टोरीज़ को और अपने लाइफ में देख पाओ कि आपके साथ कब क्या किस तरीके से इस तरीके से चीज़ें हुई है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दरअसल बात ये है, जब मैं क्लास नाइन्थ में था, क्लास नाइन्थ में एक बार क्या हुआ था, एक फ्री पीरियड था, मतलब टीचर कुछ पढ़ा नहीं रही थी। हमारी एक हिस्ट्री के मैम थी जो आई हुई थी क्लास में, वो अपना आराम कर रही थी, रेस्ट ले रही थी, और उन्होंने बच्चों से ये कह दिया था कि यार तुम लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर लो, ठीक है, अपना अपना तुम लोग बुक खोल के अपना पढ़ाई कर लो, आवाज़ मत करना, इस टाइप की चीज़ें। अब टीचर कुछ पढ़ा नहीं रही थी और टीचर ने ये भी मेंशन नहीं किया था कि तुम हिस्ट्री पढ़ो या ज्योग्राफी पढ़ो या क्या पढ़ो, टीचर ने बस ये कह दिया था कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। और वो स्पेसिफिकली कोई हिस्ट्री का शायद पीरियड भी नहीं था, वो शायद कोई ऐसी फ्री पीरियड था जहाँ पर कोई और टीचर आई नहीं थी, या कुछ तो भी ऐसा हुआ था जिनके बदले वो आ गई थी रिप्लेसमेंट में, समथिंग लाइक दैट। तो टीचर का नाम मुझे याद है, पारोमिता मैम नाम था, हमारे अभिनव भारती हाई स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, तो अभिनव भारती हाई स्कूल कोलकाता में, जिसमें हिस्ट्री टीचर हमारी पारोमिता मैम थी, वो आई हुई थी और उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी अपनी जो भी पढ़ाई तुम्हें करनी है वो कर लो। अब हुआ ये कि थोड़े टाइम बाद, मतलब मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी होंगी, मैं कुछ पढ़ नहीं रहा था, अपना रिलैक्स कर रहा था मैं भी शायद, और सामने एक लड़की थी जो मेरी फ्रेंड थी, आहुति शर्मा नाम है उसका, मुझे आज भी याद है। तो वो लड़की थी, तो उसको कुछ केमिस्ट्री में कुछ डाउट्स आ गए थे। अब उसको कुछ केमिस्ट्री में डाउट्स आ गए तो वो तुरंत घूमी और घूम के मेरे से वो पूछने लगी इसके बारे में, बताइए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब वो फ्री पीरियड था, टीचर पढ़ा भी नहीं रही थी, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि हाँ यार बता देता हूँ क्या दिक्कत है। तो मैंने उसके डाउट्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया और मैं उसके डाउट्स को सॉल्व करना, उसको समझाना शुरू कर दिया कि ये ऐसे वैसे जो भी है। हालांकि मैंने कोई आवाज़ नहीं करी थी बहुत ज़्यादा, कुछ हल्ला नहीं करा था, एकदम धीरे धीरे मैं बता रहा था, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो घूम गई थी, वो घूम के मेरे से बात कर रही थी। तो टीचर को किसको डांटना चाहिए था, उसको डांटना चाहिए था शायद या मेरे को डांटना चाहिए था, मुझे लगता है उसको डांटना चाहिए था पहले, फिर मेरे को डांटना चाहिए था। टीचर ने उसको कुछ भी नहीं बोला, टीचर ने डायरेक्ट मेरे को खड़ा कर लिया। टीचर ने मेरे को बोला कि यार आयुष क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं मैम, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रही थी तो मैं वो बता रहा था। तो मैम को लग गई गुस्सा, केमिस्ट्री साइंस, क्योंकि वो हिस्ट्री की टीचर थी है ना, सोशल साइंस की, तो साइंस पढ़ोगे, ये करोगे वो करोगे। जब वो थोड़ा सा अकड़ में बोलने लगी तो मैंने कहा हाँ मैम साइंस पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को आईआईटी क्रैक करना है, ठीक है। तो अब मेरे को यार मेरे लाइफ में यही है कि जब तक सामने वाला इज्जत से बात कर रहा है इज्जत से बात करो, जब सामने वाला लिमिट्स क्रॉस कर रहा है और वो तुम्हारे ड्रीम्स को वो चूर करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे यू नो कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर मेरा यही मानना है कि आप उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दो, ठीक है, फिर भले ही वहाँ पर एक बार के लिए आपकी बेइज्जती क्यों ना हो जाए, लेकिन यू हैव टू शो द गट्स। तो मैंने वहाँ पर बड़ी क्लास के बीच में जब वो ज़्यादा बोलने लगी साइंस वाइंस को लेकर के, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करने लगी, जबकि मैंने सोशल साइंस के डिसरिस्पेक्ट नहीं करी थी, तो मैंने बोला कि हाँ मैं साइंस पढ़ूंगा क्योंकि मुझे आईआईटी क्रैक करना है इस वजह से। उन्होंने शायद पूछा था कि क्यों साइंस पढ़ोगे ये वो इस तरीके से, तो मैंने जवाब दिया। अब उन्होंने ये पूछा मेरे से, जो कि बहुत हंसी आएगी तुम लोगों को सुन के, उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आयुष बेटे तुम्हारे परसेंटेज कितने आए एट्थ क्लास में या नाइन्थ के हाफ ईयरली में, जो भी लास्ट एग्जाम हुआ था। तो मैंने बताया 74 या 76, कुछ दो में से कुछ एक इस तरीके के परसेंटेज थे, मैंने बताया इतने आए। हालांकि क्लास में मेरी टॉप 5 में रैंक थी शायद तभी भी, या टॉप 10 में तो होगी ही होगी गारंटी से, मुझे याद नहीं है, बट जहाँ तक टॉप 5 में ही थी। तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अभिनव भारती का स्टूडेंट गेटिंग 74% इन क्लास 9 और क्लास 8 एमिंग फॉर आईआईटी, इस टाइप की चीज़ें। और अंदर ही अंदर मेरे अंदर ना एक वो आग बबूला हो गया था, मैं ये सोच रहा था कि यार परसेंटेज का आईआईटी से क्या लेना देना है, और 4 साल पहले के किसी परसेंटेज का 4 साल बाद किसी कम्पिटिटिव एग्जाम से क्या लेना देना है। यहाँ के परसेंटेज में तुम्हारा इंग्लिश आता है, सोशल साइंस आता है, सारी चीज़ें आती है, हर सब्जेक्ट में मिला के आता है, पीटी आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, वहाँ पे आपका एक साइंस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अलग टाइप का एग्जाम है, कंपिटिटिव एग्जाम है, उसकी अलग तैयारी होती है, कुछ आइडिया नहीं है तो कोई भी कुछ भी बोल देता है इस दुनिया में। लेकिन अब इतना कुछ मैं उनको उस टाइम पे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाता कि मैम ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता ये वो। तो मैंने बस यही कहा कि यस मैम आई विल डू इट, ऐसा मैंने कहा कि यस मैम आई विल डू इट,
अगर 74% है तो भी यस आई एम एमिंग ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। और एकदम उनके अंदर ना बहुत वो हो गया और उन्होंने बहुत भाषण दे दिया ये वो है ना, उसके बाद में मैं ना चुप हो गया। मैंने कहा यार समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चुप हो गया एकदम से। और उस लड़की को तो बेचारी को कुछ भी नहीं बोली मैम ने, मैम ने ये भी नहीं समझा मैम को, मैं समझा रहा था कि मैम मैं नहीं पढ़ रहा था, वो क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं उसका बस जवाब दे रहा था। तो मैम ने सारी चीज़ें मेरे को बोल दी कर दी, ठीक है। मैम को ईगोइस्टिक लग गया कि यार एक छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे बोल दे रहा है कि यस मैम आई एम एमिंग। बट वहाँ पर एक बड़े को ये सोचना चाहिए, ईगोइस्टिक ना लेते हुए बड़े को ये सोचना चाहिए कि आप उसके ड्रीम के ऊपर जो है वो आप उसको ये रियलाइज़ करा रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, और जिसके वजह से उसने अपने ही ड्रीम के लिए फाइट बैक कराया, ये सोच के इंसान को शायद हौसला बढ़ाना चाहिए एक स्टूडेंट का कि हाँ चल ठीक है तू शायद कर सकता है, तेरे में वो बात है। बाकी लोग तो डर जाते हैं कि हाँ मैम शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तेरे में है कि हाँ शायद तू कर लेगा, मतलब तेरे में कुछ बात है। बट ये चीज़ वो समझी नहीं, और अगले दिन मेरी जो क्लास टीचर थी वो सोमा मैम उनका नाम था, और क्लास टीचर को जा करके वो सब चीज़ें बता दी। क्लास टीचर जो है उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे मेरे भैया के, तो क्लास टीचर समझती थी काफ़ी चीज़ें। तो वो अगले दिन क्लास में आई, उन्होंने भी मेरे को डांटना शुरू किया बढ़िया तरीके से क्लास टीचर ने, है ना, कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया वैसा क्यों बोल दिया। तो मैंने कहा मैम देखिए जो बात थी मैंने वो बोली, उन्होंने पूछा कि तुम साइंस क्यों पढ़ रहे थे, तो मैंने बता दिया क्यों पढ़ रहा था, है ना। अब उन्होंने मेंशन तो किया नहीं था कि तुमको आर्ट्स ही पढ़ना पड़ेगा, और वैसे भी मैम मैं तो पढ़ ही नहीं रहा था, वो क्वेश्चन पूछ रही थी, मैंने उनको बताया क्लास टीचर को। तो उन्होंने कहा कि आयुष तुम्हारा तरीका शायद गलत होगा, तुमने ईगोइस्टिक वे में बोल दिया होगा कि मुझे IIT क्रैक करना है। तुम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, अब वो IIT भी हो सकता है NIT भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तुम ऐसा बोल सकते थे कि मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। मैंने अप्रिशिएट किया उस बात को, मैंने कहा हाँ मैम सही कह रहे हो शायद आप, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गया था कि वो भी एक तरीके से यही बोलना चाह रही है कि IIT क्रैक करना सबके बस की नहीं होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये वो भी यही कहना चाह रही थी, क्योंकि बात तो एक ही है ना यार, गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी जाओ, मतलब एक अच्छे कॉलेज कहीं पे भी जाओ और IIT ही जाओ, ठीक है, बात तो एक तरीके से एक ही है, कॉलेज अच्छा है वही मतलब है केवल, राइट। अब IIT के अलावा भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो भी अच्छे होते हैं, जैसे आपके NITs हो गए सारे और कॉलेजेस हो गए, स्टेट के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हो गए, लेकिन पर्पस तो सेम ही हुआ ना बोलने का, ठीक है। अब बच्चा ड्रीम तो IIT करेगा ना, बच्चा ड्रीम तो नहीं करेगा ना कि यार मेरे को, जैसे अगर वेस्ट बंगाल में कोई पढ़ता है तो वो पहला ड्रीम तो IIT रखेगा, ये नहीं सोचेगा कि मेरा पहला ड्रीम ही जादवपुर है, राइट। पहले IIT रखेगा और फिर अगर वो कोई कारण से नहीं हो पाता तब वो जादवपुर का सोचेगा या दूसरे स्टेट के कॉलेजेस में है तो वहाँ का सोचेगा। बट फिर भी मुझे लगा हाँ शायद ये बात ठीक होगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता भी है कि हाँ शायद ये बात ठीक होगी कि मैं इस तरीके से चीज़ों को बोल सकता था कि हाँ मैम मुझे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, मैं इस टाइप के टर्म्स को यूज़ कर सकता था थोड़े और पोलाइट वे में। बट ठीक है, जिस तरीके से वो जो है एकदम मेरे ड्रीम्स को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उस मोमेंट पे मेरा रिप्लाई शायद ठीक था, जब भी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ठीक है, और वो एटीट्यूड भी शायद सही था। अब हुआ ये कि हर टीचर के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, तो जब मैं 10th में चला गया वो 9th को पढ़ा रही थी, तो 9th क्लास का जो टॉपर था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 9th क्लास का जो टॉपर था उसका नाम था आयुष, उसका भी नाम था आयुष और मेरा भी नाम था आयुष, मैं 10th में पहुँच गया था। जब वो 9th में आई और उनके क्लास का जो टॉपर था स्पेशली, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो और ही अच्छे से टॉप करता था और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी टॉप करता था, वो मेरा ही स्टूडेंट था, ठीक है। मतलब मैं 10th में जब आया था तो मैं उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा था जो 9th में था, और वो 9th में था, और उससे लकीली उसी टीचर ने ये पूछ लिया कि तुम कहाँ से पढ़ते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम कहाँ से पढ़ते हो। और वो दो स्टूडेंट थे, एक तो वो टॉपर था और एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज क्या बिलो एवरेज ही था, वो दोनों साथ में बैठे हुए थे शायद। और टीचर ने जब पूछा तो उस टॉपर ने, आयुष ने, ठीक है, वो भी काफ़ी मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड का बेटा है, तो उसने बोल दिया कि मैं आयुष राठी से पढ़ता हूँ। तो मैम ने कहा, उसी पारों में था मैम ने, आयुष राठी कौन, आयुष राठी वो 9th वाला आयुष राठी, वो पढ़ाता है, हैं कितना पैसा लेता है, ऐसी टाइप की चीज़ें। तो उसने सारी चीज़ें बता दी कि हाँ इतना पैसा लेता है और पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, साइंस के उसके कॉन्सेप्ट्स क्या गजब के है मैम, ये वो करके उन्हीं के वजह से पूरा उसने बोल दिया। अब मैम की हालत हो गई टाइट, मैम ने कहा यार ये तो यार गजब ही चीज़ है। उसी के कुछ टाइम बाद में शायद न्यूज़ आती है कि मेरे फादर का डेथ हो जाता है और मैं गंजा हो जाता हूँ, और गंजे होकर के मैं स्कूल जाता हूँ, और मैम ने मुझे देख लिया गंजे होते हुए, तो मैम मेरे को बुलाती है, वही वाली मैम, कि क्या हुआ हेयर क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैम फादर का डेथ हो गया, तो मैम को तब जो है थोड़ा सा बुरा लगा कि अरे यार। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो बताना, और मतलब हेल्प इन द सेंस कि उन्होंने मेरे को बोला कि तुम ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हो तो
कोई अगर और ट्यूशन व्यूशन चाहिए होगा तो बताना, मैं अरेंज करके दूंगी कुछ इस टाइप की चीज़, उन्होंने कही। तो मैंने कहा ठीक है मैम, ऐसे करके मैं वहाँ से निकल गया, ठीक है। और वो चीज़ें तो चली गई, फिर उसके बाद में इन सारी चीज़ों की वजह से जो एक ड्रीम है आईआईटी को लेकर के वो स्ट्रांग हुआ और मोटिवेशन जो है ज़्यादा तगड़ा हो गया था। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती जहाँ पर आप ड्रीम देख रहे होते, प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आप उस ड्रीम को अचीव करने में फ़ेल हो जाते हो। तो मैं उस ड्रीम को अचीव करने में फ़ेल हो गया। मैंने जब ट्वेल्थ के बाद एग्ज़ाम दिया तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, प्रिपरेशन लेवल इतनी एकदम ख़राब थी कि आईआईटी तो क्वालिफाई नहीं हुआ था, और जो जेई मेन होता है वो भी काफ़ी कम मार्क्स आए थे, जस्ट क्वालिफाई हुआ था, 110 नंबर आए थे जेई मेन में, और आईआईटी एडवांस तो क्वालिफाई नहीं हुआ था, 75 नंबर आए थे आईआईटी एडवांस में फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बोर्ड्स में जैसे तैसे करके ठीक है जो है आ गए थे 84.6% जैसे तैसे आ गए थे। अब बात थी अब क्या करें, लोगों ने मेरे को ये कहा कि यार छोड़ दे, है ना, कोई और कॉलेज ले ले, आईआईटी सब कुछ नहीं होता, आईआईटी क्रैक करना ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, कोई प्राइवेट देख ले, कुछ और देख ले, कुछ और कर ले, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी मुझे मिल रहा था लेकिन उसमें ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही थी, 2000-2500 रैंक आई थी मेरी वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो भी एक अच्छी रैंक थी, लेकिन वहाँ पर फिर वो जादवपुर जा करके वो मेरे को तो चाहिए था यार आईआईटी टाइप की कुछ चीज़ चाहिए थी मेरे को, तो मैंने वहाँ पर ड्रॉप लिया, ठीक है। तो वहाँ पर उस जगह पर कई जगह मजाक भी बना था काफ़ी जगह दोस्तों में इसमें उसमें कि यार ये तो खुद पढ़ाता था, इसका तो खुद का नहीं हुआ, ये वो सारी चीज़ें। मुझे ये पता था कि यार अगर मैं यहाँ से क्विट कर गया, टैलेंट होते हुए भी, अगर टैलेंट नहीं होता मेरे अंदर क्विट करता, डैट वॉज अ गुड डिसीजन, बट टैलेंट होते हुए अगर मैं क्विट कर दूँ यहाँ से तो डैट विल बी अ बैड डिसीजन एंड डैट विल बी अ बैड एग्जाम्पल टू सेट। मैंने फिर वहाँ से ड्रॉप लिया, ठीक है, ड्रॉप लेके मैं कोटा गया। हालांकि वहाँ पे भी बहुत गड़बड़ हो गई मेरे साथ में, मैं कोचिंग जाना छोड़ दिया, मैं डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गया, मैं एडिक्शन दारू ये सारी चीज़ें में पड़ गया, दिमाग पूरा एकदम ख़राब हो गया था कि यार एक तरफ ड्रीम तो है मेरे अंदर लेकिन यार एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि 4 साल पहले बोला था कि हाँ मुझे आईआईटी क्रैक करना है ना। और फिर अंदर से लास्ट के 3-4 महीने में सीरियसनेस जागी थी, स्पेशली लास्ट का जो 1-2 महीना था ना उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस जाग गई थी, और बहुत हार्डवर्क करके 16-16, 17-17 घंटे पढ़ करके, एफिशिएंसी बढ़ा के, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ के आईआईटी क्रैक हुआ, ठीक है। आईआईटी क्रैक करके उसमें 25,000 रैंक आई और जेई मेन क्रैक करके उसमें 15,000 रैंक आई। तो दोनों एग्ज़ाम में, दोनों जो एग्ज़ाम है जिसमें हमारे पास में जेई मेन देते हैं 10-12 लाख लोग उस टाइम पे देते थे, 13-14 लाख लोग, और फिर आईआईटी देते थे 2-2.5 लाख लोग, मतलब पूरे कंट्री में फिर दोनों अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में अच्छी अच्छी रैंक आई। आईआईटी कॉलेज तो नहीं मिला क्योंकि आईआईटी में सीट्स कम होती हैं, तो यू हैव टू गेट वेरी वेरी गुड रैंक, बट आईआईटी क्रैक हुआ जिसकी मुझे खुशी है। और उसके बाद में जो कॉलेज है एनआईटी त्रिची मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा आईआईटी से भी ऊपर होता है, 2-3 आईआईटी है, उसके बाद में एनआईटी त्रिची है, फिर बाकी सारे आईआईटीज हैं। तो कंपेयर टू अ कॉलेज भी ऐसा मिल गया जो आईआईटी लेवल का या उससे भी बहुत सारे आईआईटीज से ऊपर लेवल का मिल गया, हालांकि उसमें भी ब्रांच जो है बहुत अच्छी नहीं मिली, लेकिन जो मिली वो मुझे पसंद थी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उसमें अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का जो है मिक्सचर था, मुझे अच्छा लगा था, मेरे टाइप की चीज़ें थी, क्योंकि मुझे लाइफ में और अदर एक्टिविटीज़ करनी थी, जैसे कि ये यूट्यूबर बनना था मेरे को, ये सारी चीज़ें और एक्टिविटीज़ में मेरे को पार्ट लेना था, टीचिंग वगैरह में आगे बढ़ना था, तो मेरे लिए सही ब्रांच था ताकि मैं कॉलेज के अलावा भी चीज़ें कर पाऊँ, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को यही सीखने को मिलेगा, शायद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी आपके ड्रीम्स को कोई तोड़ने का कोशिश करे तो उसको तोड़ने का कोशिश किया करो, अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करा करो, और ये सारे जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं ना जहाँ पर लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उसी को अगर आप ज़िद पकड़ लो कि नहीं अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा, ठीक है, मैं फेलियर नहीं हो सकता, तो आप अपने ड्रीम तक तो नहीं, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आईआईटी तो नहीं मिला ना, आईआईटी नहीं मिला लेकिन आईआईटी क्रैक हुआ, एक ऐसा कॉलेज मिला जो आईआईटी के कंपैरेटिबल है, ठीक है, कंपेरेबल है, और सबसे मजे की बात इन सारे मोह माया से भी मैं ऊपर उठ गया, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर लिया, सब कुछ अचीव करके, एनआईटी त्रिची अचीव करके मैंने कंप्लीट ही नहीं किया अपना डिग्री, मैंने थर्ड ईयर में ही ड्रॉप कर लिया, क्योंकि इन सारे मोह माया से मैं ऊपर उठ गया, मुझे समझ आ गया कि यार ये सारी चीज़ें जो है अब इसमें कुछ नहीं रखा, मतलब आप कोई चीज़ को तब तक करते हो जब तक आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ रखा है, जब लगे कि यार इसमें अब कुछ रखा ही नहीं है तो आप उस चीज़ से बाहर भी आ जाते हो। तो मुझे ये समझ आ गया कि अब इसमें मेरे लिए कुछ नहीं रखा, ठीक है, उसमें बहुत कुछ रखा है बट मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं एक अलग टाइप का इंसान बन चुका हूँ, मैं यूट्यूबर बन चुका था, मैं टीचर बन चुका था, ठीक है, अर्निंग के सोर्सेज मेरे डेवलप हो चुके थे, तो मुझे ये लगा कि अब इसमें कुछ नहीं रखा, आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर, मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा,
मैं वहाँ पर ठोकर खाता रह जाऊँगा अगर मैं वहाँ पे कॉलेज कंप्लीट करके जॉब के लिए गया और सारी चीज़ें मैं उस तरीके से करता रहा तो मुझे एक दूसरा रास्ता चाहिए जिसमें कम लोग ट्रैवल करते हैं, भीड़ भाड़ वाला एरिया में नहीं जाना है और मुझे अलग तरीके से अपना जो है करियर को आगे बूस्टअप करना है। ये थॉट्स मेरे अंदर आ गई थी और मैंने कॉलेज भी ड्रॉप कर लिया। इस पूरे चीज़ से मेरे को यही सीखने को मिला कि अपने ड्रीम्स को देखो और उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ो। और जो ही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि अपने ड्रीम्स को देखो, उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ो। कोई अगर कहता है कि आप नहीं कर सकते तो ज़िद बना लो कि यार अब तो करके ही दिखाना। और ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी बहुत बार होता होगा, बहुत लोग आपको कहते होंगे कि यार तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकती, तो ज़रूर से उस चीज़ को करो। अगर आपने सपना देखा है तो ज़रूर से करो, कोई और नहीं होता बोलने वाला कि आप नहीं कर सकते, राइट। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, थोड़ी मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसको देखने के लिए। बने रहिए यार।